पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि वक्त आ गया है जब टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को नए युवा तेज गेंदबाजों को टीम में मौका देना चाहिए। अकरम के मुताबिक अगर ऐसा नहीं किया गया तो तेज गेंदबाजी ही भारत में खत्म हो जाएगी। अकरम ने अपनी ओर से केकेआर की टीम का हिस्सा रह चुके बंगाल के तेज गेंदबाज शमी अहमद का नाम सुझाया है। 22 साल के शमी अहमद ने अभी तक 15 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 65 विकेट निकाले हैं। बॉक्सिंग में हाथ आजमाने वाले पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू फ्लिंटॉफ शायद दोबारा रिंग में न उतर पाए। बॉक्सिंग करते हुए फ्लिंटॉफ के कंधे में खिंचाव आ गया और डॉक्टर्स को उनके कंधे का ऑपरेशन करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें 2 से 3 महीने की आराम की सलाह दी है और वो उसके बाद ही बॉक्सिंग में अपने करियर के बारे में कोई फैसला ले पाएंगे। फ्लिंटॉफ के मैनेजर के मुताबिक अगर वो बॉक्सिंग के लिए फिट नहीं हुए तो वो T20 क्रिकेट में बल्लेबाज के तौर पर वापसी कर सकते हैं। 2 जनवरी से दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच शुरू होने वाले टेस्ट मैच में शायद प्रोटियास के घातक गेंदबाज वर्नॉन फिलेंडर नहीं खेल पाएंगे। फिलेंडर को घरेलू मैच खेलते हुए बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते के आराम की सलाह दी है। वहीं न्यूजीलैंड के लिए भी बुरी खबर है क्योंकि उनके स्ट्राइक गेंदबाज टिम साउदी अंगूठे में लगी चोट की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पा रहे। न्यूजीलैंड की टीम इससे परेशान है क्योंकि रॉस टेलर और डैनियल विटोरी पहले से ही टीम का हिस्सा नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी समेत 11 पूर्व अधिकारियों पर दिल्ली की अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। कलमाड़ी और पूर्व सेक्रेटरी जनरल ललित भनोट पर कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भ्रष्टाचार, चोरी और साजिश के आरोप तय किए गए हैं। स्पेशल CBI जज तलवंत सिंह ने आदेश पारित किया। इन सब पर स्विस फर्म स्विस टाइमिंग ओमेगा को गलत तरीके से ठेके देने का आरोप है जिससे सरकार को 90 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। ये कंपनी टाइमिंग, स्कोरिंग और रिजल्ट्स के लिए TSR सिस्टम बनाती है। मुंबई में नजर आए क्रिकेटर कपिल देव। मौका था मेड इन इंडिया नाम के कैंपेन लॉन्च का। भारत के लिए पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कपिल देव की ख्वाहिश है कि वो मेड इन इंडिया नाम के इस कैंपेन के जरिए भारत की अच्छी छवि दुनिया भर में पहुंचाने में मदद करें। एक ऐसी कंपनी के साथ मिलकर जो क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार्स तक की ब्रांडिंग करता है। आमतौर पर भारत का करप्शन और क्राइम दुनिया भर की मीडिया में छाया रहता है, इसलिए ये कंपनी भारत की अच्छाइयों और यहाँ हो रहे डेवलपमेंट को भी दुनिया के सामने लाएगी, जिसके तहत मेड इन इंडिया नाम का एक वेबसाइट भी लॉन्च किया जाएगा ताकि दुनिया भारत के अच्छे पहलुओं के बारे में भी जान सके।